हम स्टार्ट कर रहे हैं मुर्गी का ब्लॉग, देसी मुर्गी फ्रेंड्स। ये देसी मुर्गी है, तेलों से चारा डाल दिया गया है और रेडी हो चुका है लोग खाने में। ठीक है, देसी मुर्गी है। देखें, आप लोग के मुर्गी चाहिए तो यहाँ पे आइए, सोमाल में बाय कीजिए, यहाँ पे सेलिंग भी होता है। देखें, अमेजिंग, वाओ वाओ। तो ये हो गया, अब हम लोग अंदर में जाते हैं, देखते हैं वहाँ पे। यहाँ पे देखिए, अंडा पे बैठा हुआ है ये मुर्गी, देखिए कितना से निकले। अरे अंडे नहीं है, मैं तो बोला अंडा पे है। तो अभी हम लोग जयना जी, हाँ भले भले भले, बंद कर दो। तो ये देखिए यहाँ पे भी कितना सारे हैं, बहुत सारे मुर्गियाँ हैं। तो हम आते रहते हैं यहाँ पे, खास इसीलिए मेरे दोस्त के पास आते हैं इसीलिए। यहाँ पे देखते हैं, तो अंडा दिया है क्या? अंडा दिए, अंडा देने के लिए है मुर्गी का। हजारों हजार मुर्गियाँ हैं, तो हम इसको बाहर में सारे को भी निकालेंगे, क्योंकि दाना दिया गया है तो खाने के लिए। और एक मुर्गी यहाँ पे अंडा पे बैठा है, देखिए अंडा पे बैठा हुआ है, अंडा है ना, लोकल फ्रेश मुर्गी है। फ्रेश मुर्गी है, तो यहाँ पे भी मामा ये लड़का मुर्गी का कते प्राइस होते ये बरका के मुर्गी को दाना डाल दिया गया यहाँ पे। ये सारे आ जाएगा खाने के लिए भी यहाँ पे। तो ये पानी उनी है, टाइगर तो उसमें एक बड़ा टाइगर है, एक यहाँ पे है और इसमें बोले टाइगर तो उसमें टाइगर नहीं, दुबली के टाइगर भाले, लोकल भाले। नेपाल में तो ये आम है, ये बहुत आम है, हमारे नेपाल में सब पसंद करता है ये खाने के लिए। लोकल मुर्गी खाते रहते सर लोग, मालूम है क्या? यहाँ पे देख दो बैठा हुआ है, अरे हट रहे, अंडा भी नहीं, इसको अथरी मांग रहा है ना बच्चा देने के लिए। ब्लैक चिकन, आपको पता है ब्लैक चिकन काफ़ी महंगा होता है, ब्लैक चिकन काफ़ी महंगा होता है। ब्लैक चिकन है फ्रेंड्स से। चलो मैं डिस्टर्ब क्या करूँ, यही है आज के ब्लॉग। ओके, फ्रेश लोकल कुखरा इन कटार।